छात्र विरोधी हाय 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 छात्र विरोधी हो हाय 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 छात्र विरोधी हो उस तरीके से सनातन विरोधी इसके द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदू विरोधी हो यह हिंदू विरोधी है। इस व्यक्ति को पाकिस्तान जाने के लिए हम लोग अपने पैसे से टिकट करवाएंगे, चंदा करेंगे, इसे पाकिस्तान भेजेंगे। इस तरह से उदय दिंदी हिंदू का अपमान करने का काम किया है। जल्द से जल्द वहां के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के इसको इस्तीफा लेना चाहिए। तमिलनाडु के खेल मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने जिस तरीके से बयान दिया और कहा सनातन धर्म को कोरोना और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से सनातन धर्म को ख़त्म किया जाए। ऐसे में ये बयान देने के बाद पूरे देश में अब जो है सनातन धर्मों में गुस्सा देखा जा रहा है और भाजपा की ओर से लगातार विरोध भी किए जा रहे हैं और पूरे देश में इसका विरोध भी उदयनिधि की शुरू हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है पटना के बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने बीजेपी के युवा कार्यकर्ता नेता जो है आज सड़कों पर उतरे हैं और उदयनिधि के साफ तौर से विरोध कर रहे हैं। मुझे देश का आम लोगों के भगवान से कोई मतलब नहीं, मैं हूँ सनातन विरोधी, ये कहना है उदयनिधि का। और ये देखिए पोस्टर के जरिए विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, मेरा बाप कोरोने में डेंगू और मेरे पूरा परिवार मलेरिया में, ये कहना है। सीधे तौर पर हमारे साथ कृष्णा कुमार कल्लू हैं, उनसे बात करेंगे। उदयनिधि के बयान को कैसे देखते हैं और आज आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरे भारत में सिर्फ एक ही धर्म है सनातन, बाकी बनावटी है। और कहीं ना कहीं स्टालिन उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है उसके खिलाफ आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और इस उदयनिधि स्टालिन का जमान खींच के ले आना चाहिए। जिस तरीके से सनातन विरोधी इसके द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया है, हिंदू विरोधी यह हिंदू विरोधी है। इस व्यक्ति को पाकिस्तान जाने के लिए हम लोग अपने पैसे से टिकट करवाएंगे, चंदा करेंगे, इसे पाकिस्तान भेजेंगे, उदयनिधि को पाकिस्तान भेजेंगे। आज विरोधी सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल सहनी जी हैं। अनिल सहनी जी, कैसे इस विरोध कर रहे हैं आप लोग आज? जिस तरह से उदय दिंदी हिंदू का अपमान करने का काम किया है, जल्द से जल्द वहाँ के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के इसको इस्तीफा लेना चाहिए। हमेशा हिंदू पर ये लोग अपमान करने का काम करते हैं, आरजेडी के द्वारा, जदयू के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, लेकिन आज कोई जवाब देने का काम नहीं कर रहा। कोई आकर नहीं बोला कि इस तरह से बयान गलत है, हिंदू का अपमान करना ठीक नहीं है। हमेशा हिंदू का अपमान करना चाहता है। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा, इस्तीफा नहीं देगा, तो हम रोड पर उतरने का काम करेंगे। तो देखिए, माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे और रोड पर उतर कर इसका विरोध करेंगे। और आज देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हैं उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ और जिस तरीके से विरोध अब पूरे देश में उनका देखा जा रहा है और उन्होंने जो विवादित बयान दिया है, आपत्तिजनक बयान दिया है, उस विवाद के बाद जो है पूरे देश में अब विरोध होना शुरू हो चुका है। और ऐसे में देखिए हिंदू विरोधी होश में आओ के नारे लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उदयनिधि की जो है पाकिस्तान भेजने का काम सीधे तौर पर कर रहे हैं। ये आज पटना के बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने जो मंदिर है वहाँ पर पहुँचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ पर विरोध करना शुरू हो गया है। तो उदयनिधि की विरोध होना शुरू हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के खेल मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ये बयान कहीं से उचित नहीं है। मैं सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़।